हेलो फ्रेंड्स, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाना पेनकेक की रेसिपी बताऊंगी, वो भी बहुत हेल्दी तरीके से, और न्यूट्रेला की सूखी सब्जी बहुत ही मस्त बनाऊंगी, और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाएगी। एक बार वीडियो को जरूर पूरा वॉच करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बड़ा सा बॉल ली हूँ और ये बनाना है। हम लाते हैं ना बनाना, तो सारी बनाना ख़त्म नहीं हो पाती, तो कभी कभी इस तरह से पकी हुई रह जाती है, तो उसी का मैं यूज कर रही हूँ। देखिए, एक केला ली हूँ पका हुआ बहुत, और इसको इस तरह से बड़े से बॉल में डाल दी। चीनी मैं 4 चम्मच या 3 चम्मच, जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगता है, कम ज़्यादा आप अपनी इच्छा के हिसाब से रखिएगा। अब इसको क्या है, थोड़ा मसल देना है, चीनी के साथ मिल जाएगी ना तो लम्स नहीं होगा और बहुत अच्छा पेनकेक बनकर तैयार होगा। देखिए, इस तरह से मैं स्पून से इसको मस्त से मसल रही हूँ, और मसलने के बाद फिर चीनी के साथ देखिए इस तरह से मैं मिला दूँगी। देखिए, इसमें गुठली नहीं है, इसी तरह से हमें करना है। थोड़ा सा इसको इस तरह से मिला दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए क्या करती हूँ, घर का गेहूं का आटा देखिए मैं लगभग एक बॉल रखी हुई हूँ। इस जगह पे आप मल्टीग्रेन आटा का भी यूज कर सकती हैं। अब इसको देखिए थोड़ा सा हल्का सा मैं इस तरह से मिला दी हूँ, और एसेंस में ले रही हूँ यहाँ वनीला। आप यहाँ पर अगर एसेंस नहीं है तो इलायची कूट के डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, ये फुल क्रीम दूध क्या है ना, मेरी पूरी गैस पे ही रखी हुई थी, औटाते औटाते कुछ ज़्यादा ही औटा गई, बहुत गाढ़ी है दूध। और देखिए, बहुत मस्त से आधा किलो जल कर ये एक बॉल लगभग हो गई है, इसी का यूज मैं कर रही हूँ। देखिए, इसको एक बॉल पूरा लग जाएगी इसमें, बस हमें बहुत ज़्यादा इसमें दूध नहीं डालकर पतला बिल्कुल नहीं करना है बेटर को, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। और इसको अब देखिए अच्छे से मिला लेना है, इसमें जो चीनी है पूरी तरह से घुल जानी चाहिए, और ये आटा मैदा आटा और ये केला जो मसल के रखे थे ना हमने, वो और चीनी सब मिलकर एक सार हो जानी चाहिए। वनीला एसेंस मैं यहाँ डाली हुई हूँ, आप तो देखे ही। अब इसको अच्छे से देखिए मैं मिला ली हूँ, और कितना गाढ़ा होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये क्या रुक रुक के गिर रही है ना, इसी तरह का हमें चाहिए। बहुत पतला बेटर नहीं बनाइएगा, बहुत पतला बेटर बनाने में वो चिपकने लगती है। इस तरह का देखिए, बहुत अच्छा से मैंने इसको गाढ़ा से लिक्विड तैयार कर लिया है। अब गैस चूल्हा पर मैं देखिए नॉन स्टिक तवा रखी हुई हूँ, और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच या 1 चम्मच इस तरह से डाल दीजिएगा, और ज़्यादा नहीं, इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब इसको देखिए इस तरह से बढ़िया से, जब ये गर्म हो गई ना, आप पेन केक जैसा छोटा बड़ा जिस साइज़ का बनाना चाहती हैं उस तरह का बनाइए। मैं बहुत बड़ा भी नहीं बना रही हूँ और बहुत छोटा भी नहीं बना रही हूँ, इसको देखिए इस तरह से डालती जाऊंगी और इसको थोड़ा फैला दूंगी हल्का सा, और ये क्योंकि गाढ़ी है ना बहुत अच्छे से बन जाएगी। इस तरह से देखिए मैं फैला रही हूँ, हल्का हल्का ही फैलाना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, मज़ा नहीं आएगा। देखिए इस तरह से 2 डाल दी, इस तरह से मैं 4 एक ही साथ बना रही हूँ, और इसको कम आंच में बस छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे से अंदर तक पकनी चाहिए। अब देखिए इसको मैं पलट दूँगी, देखिए इस तरह से मैं पलट दी। आपको जितना कलर इसका चाहिए उस हिसाब से इसमें आप पका लीजिएगा, टाइम दे के मैं देखिए कम ज़्यादा जैसा पसंद वैसा कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से इस सबको पलट रही हूँ, इस तरह से पलट कर देखे थोड़ा देर इसको और पकाऊंगी ताकि अंदर तक पके। ऊपर से हल्का हल्का देखे तेल इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही, बस थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से मैं डाल दी, और इसको थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए इस तरह से सेक ली हूँ। अब प्लेट में इसको निकाल रही हूँ। इसी तरह से आप जितना लिक्विड है सबको बना लीजिए, छोटा छोटा पेनकेक मैं यहाँ देखिए बना लिया, और सबको एक लाइन से देखिए रख दी हूँ। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, ये हर्षिस सिरप की बोतल है, इसमें मेरी डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो होती है ना उसको मेल्ट करके रखी हुई हूँ। बच्चों को खास करके बहुत अच्छी लगती है डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो होता है, इसको देखिए मैं इस तरह से डाल रही, थोड़ा चॉकलेटी बना दूँगी तो मेरा बेटा क्या है ना आराम से खा लेगा, उसको बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट का फ्लेवर। इस तरह से मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी बेटी अभी मेरे पास नहीं है, पढ़ने के लिए बाहर गई हुई
है, अब वो आएगी दिसंबर में तो बहुत मज़ा करेंगे हम उसके साथ। देखिए इस तरह से मैं ये चॉकलेट को थोड़ा सा इस तरह से डाल दी, जितना चॉकलेटी बनाना है उतना बनाइए, थोड़ा चेरी इस तरह से ऊपर रख दी हूँ। इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए कैसी बनी है, बहुत ही मस्त लगती है। इस तरह बच्चों को खास करके ना बहुत पसंद आता है। मैं इस तरह से बना दी हूँ, अब पका हुआ केला का भी यूज हो गया, बहुत अच्छा से बन के रेडी हो जाती है और खाने में ना बहुत मस्त लगता है। इसमें जो गाढ़ा दूध में औटा के रखी थी ना वो डाली हुई हूँ और केला का फ्लेवर बहुत ही मस्त इसमें आता है। इस तरह से देखिए मैं पेन केक बनाई थी। अब मैं आपको सोया बड़ी की सब्जी भी बताती हूँ, कैसे मैं फटाफट कम ही समय में बना लेती हूँ। देखिए बड़े से बॉल में मैं 1.5 गिलास पानी रखी हुई हूँ गर्म होने के लिए। ये फॉर्चून का सोया चंक्स है मेरा, 10 रुपये का जो पैकेट आता है ना मैं वही ले रही हूँ, और ये 2 पैकेट मैं ले रही हूँ। जब ये पानी थोड़ी गर्म हो जाए ना, देखिए इस तरह, तो इसको काट के देखिए 1 पैकेट डाल दी, 1 पैकेट और डाल दूँगी। ये मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है न्यूट्रेला, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसको क्या है ना, ड्रेन करके इसमें ठंडा पानी डालकर 2-3 बार इसको बढ़िया से धो लूँगी, फिर निचोड़ के अलग से प्लेट में रख दूँगी। इसको इसी तरह से करना है। देखिए मिक्सी के छोटे से पॉट में 2-3 टमाटर जितना अच्छा लगे उतना डाल दीजिए, आधा मुट्ठी इसमें लहसुन डाल दी हूँ इस तरह से देखिए, और गैस चूल्हा पे नॉनस्टिक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तेल ज़्यादा यूज नहीं होता, आपकी अपनी इच्छा, ज़्यादा चिपचिपा पसंद है तो डालिएगा। मैं 2 चम्मच डाली हूँ। यहाँ 1 बड़े साइज़ का प्याज ली हूँ, थोड़ा कड़ी पत्ता स्वाद अनुसार, 2-3 हरी मिर्च ली हुई हूँ इस तरह से ली हुई हूँ। और इसको देखिए क्या करती हूँ, बहुत ही मस्त सब्जी बनती है इसके। देखिए थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ, आधा चम्मच लगभग, और इसमें प्याज और मिर्च और कड़ी पत्ता जो तीनों था ना इसको देखिए इस तरह से डाल दी हूँ। और गैस चूल्हा का आँच को अभी फ़िलहाल तो मैं कम कर दी हूँ और इसको इसी तरह से चलाऊँगी। उसका मुझे इसको बहुत ज़्यादा मैं नहीं पकाऊँगी, हल्का सा बस कलर आ जाए इतना ही चाहिए मुझे। इसमें क्या है ना, पूरा जला पका मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा ही कच्चापन रहता है ना इसमें तो मज़ा आता है। और जो अभी टमाटर और जीरा लहसुन डाल के पीसी थी ना, इसको देखिए इसमें इस तरह से डाल दी और इसको इस तरह से मैं चला रही हूँ, इस तरह से चला दी। आँच को अभी फ़िलहाल आप कम ज़्यादा जैसा मन करे वैसा कर सकती हैं। और यहाँ मिर्च पाउडर देखिए स्वाद अनुसार डाल दी हूँ, जितना तीखा आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। और डालने के बाद देखिए इस तरह से मैं चला दी। नमक मैं स्वाद अनुसार ली हूँ, फास्टिंग नमक खाती हूँ वही डाली हूँ, और इसको भी डाल के बहुत अच्छे से चला दी हूँ। मसाला बस थोड़ा ना अच्छा से भूनिएगा, क्योंकि लहसुन कच्चे मसाले का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। और ये चाउमीन मसाला है, इसमें बिंदास टेस्ट आती है इसकी, आधा चम्मच लगभग इसको भी डाल दीजिएगा। और इसको डालने के बाद बढ़िया से चला दीजिएगा जैसे मैं चला रही हूँ। और ये मसाला अच्छा भूनना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि सारा खेल जो होता है ना मसाले का होता है, जितना अच्छा भुना हुआ होता है उतना अच्छा लगता है। इसमें देखिए टमाटो केचप आप 1.5 से 2 चम्मच या जितना आपको पसंद आता है उसके हिसाब से डाल दीजिएगा, पर कम से कम 1 चम्मच तो ज़रूर डालिएगा। मेरे कहने पर एक बार बना के देखिए, इस तरह से बहुत ही मस्त लगती है। और इसको देखिए इस तरह से चला दी। अब इसमें देखिए सोया सॉस जो आता है आधा से 1 चम्मच दे दीजिएगा, ये थोड़ी पतली वाली है ना इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज की हूँ। ऐसे कलर इसको बहुत सुंदर मिलेगा, जैसे नॉनवेज होता है ना उसी तरह का कलर आएगा बनने के बाद। देखिए इसको इस तरह से बढ़िया से भूनिए मसाला को, ये मसाला मस्त भून गई। और आपको बताई थी ना सोया बड़ी को उबाल कर 2-3 बार पानी डालकर अच्छे से धो ली थी, उसको निचोड़ के देखिए मैं यूज कर रही हूँ, इसमें पानी नहीं है। अब इसको निचोड़ ली हूँ, अब इसको डाल दूंगी और फिर इसके साथ मस्त से थोड़ा देर भूनूंगी, ज़्यादा देर नहीं, मात्र 2-3 मिनट भूनेगा, बहुत ही जल्दी ये बनती है।
और खाने में ना बहुत बिंदास टेस्ट आता है इसका। एक बार इस तरीके से बनाइएगा, इसमें कोई ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए तो देखिएगा कितना मज़ा आएगा और सभी को पसंद आएगी। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके मुझे और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है। सभी रूपों में सोया बड़ी जो होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कम ज़्यादा आँच करके इसको मैं भून ली हूँ, मस्त से जितना भी मसाला है ना एक दूसरे में कोट होके बहुत अच्छा से मिल गई है और बहुत अच्छा से इसमें मसाला का फ्लेवर आ गया है। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी लगती है। इसको आप चावल के साथ खा सकती हैं, रोटी के साथ खा सकती हैं, पराठा के साथ खा सकती हैं, पूड़ी के साथ खा सकती हैं, सभी में बहुत बिंदास टेस्ट देती है। इस तरह से मैं जब मेरे पास मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी है, गला पूरा बैठा हुआ है, बनाने का मन नहीं कुछ कर रहा था, तो इस तरह से मैं बनाई हूँ मैं और मेरे बेटे के लिए। मेरे हस्बैंड तो ट्रेनिंग में गए हुए हैं, दो तीन दिन के लिए हम ही दोनों हैं, तो इस तरह से देखिए मैं बनाई हुई हूँ। कैसी लगी बताइएगा। अगर आपको मेरे पैनकेक की रेसिपी बनाना की और सोया बड़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और मेरे वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा वॉच कर लिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।